सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टेक्नोज मोबाइल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए हमारे सारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्नोज मोबाइल में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम आपके सामने लेके आए हैं एक MIUI का वर्जन आपको, जो कि हमारे पुराना बिल्ड मिल जाता है हमारे डिवाइस Zenfone Max Pro M2 के लिए। और दोस्तों ये जो रॉम मिल जाती है हमारी MIUI की मिक्स वर्जन है, MMX टीम के द्वारा 12.5.3 स्टेबल रॉम मिल जाती है। एंड ये काफ़ी पुरानी रॉम है, बट इसकी परफॉर्मेंस वगैरह सारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या परसेंट इसकी बैटरी ड्रेन होती है, कितनी जल्दी चार्ज होता है, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और इसमें क्या खास बग्स आपको मिलते हैं, क्या खास फीचर्स मिलते हैं, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको इसको रीबूट करके दिखा देता हूँ इसकी बूट इमेज कैसी आती है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी बूट इमेज, फोन बूट हो चुका है, आपको अब आगे की डिटेल दिखाते हैं। तो ये हम दोस्तों देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लाइव वॉलपेपर देखने को मिल रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको लाइव वॉलपेपर इसमें देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है, आपको लाइव वॉलपेपर वगैरह दिया गया है, बट AOD वगैरह मैंने देखा नहीं अभी। एंड इसमें दोस्तों आपको गूगल का गो वर्जन मिल जाता है कैमरा वाला, तो आप इसका दूसरा वाला इंस्टॉल कर लिए, पूरा वाला है ना, फुल वर्जन आपको दोस्तों उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ले चलते हैं सेटिंग्स में, आपको सेटिंग्स में ले जाने के बाद बाकी डिटेल्स दिखाते हैं। तो माई डिवाइस पर जाने के बाद अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा MIUI का वर्जन 12.5.3 स्टेबल दिख रहा है। एंड ऑल स्पेक्स पर चलते हैं, ऑल स्पेक्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑक्टा कोर 2.2 GHz बेस मिल जाता है। एंड्रॉइड वर्जन आपको यहाँ पर 10 देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी पैच लेवल अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2021 छठवें महीने का मिल जा रहा है। एंड कर्नल की बात करिए तो यहाँ पे आपको स्काईवॉकर वाला कर्नल मिल जाता है, जो कि 4.4 पे बेस मिल जाता है। आते हैं मैक, एंड आपको स्टोरेज के मामले में इसकी सिस्टम की स्टोरेज दिखा देते हैं आपको। तो सिस्टम की स्टोरेज यहाँ पे 9.65 GB है, जो कि कमी अच्छी बात है। एंड बैक आते हैं, यहाँ पे वही सारे आपको फीचर मिलते हैं। और वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन की बात करी जाए तो यहाँ पे AOD वगैरह वाले भी ऑप्शन आपको मिलते हैं, जो कि हमने AOD अभी ऑन नहीं किया, तो AOD ऑन करते हैं और AOD हमारा वर्किंग मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्क हो रहा है अच्छे से। तो आप बाकी और दोस्तों अगर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। शो एनिमेशन व्हेन नोटिफिकेशंस कम, तो आप ये एनिमेशन वगैरह वाले भी है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और रेस टू वेक वगैरह हो गए, डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ, आई गेस ये वाला ऑप्शन वर्क नहीं करता। लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट दिया है, चार्जिंग एनिमेशन आपको मिल जाता है, साइड पैनल शॉर्टकट्स वगैरह मिल रहे हैं आपको, वही सारे फीचर्स जो मिलते आए हैं। डिस्प्ले की बात करिए तो यहाँ पे आपको वही सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी जैसे कि रिफ्रेश रेट वगैरह वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। एंड साउंड एंड वाइब्रेशन में वही है, नोटिफिकेशन कंट्रोल भी पूरा नहीं है। एंड यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन बार की बात करिए तो यही वाला आपको मिलता है, जो कि 12.5 में आता है। एंड सिस्टम नेविगेशन वगैरह, होम स्क्रीन सर्च बार, आप -1 में ऐप वर्ड लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे अपन शो मेमोरी स्टेटस, अरेंज आइटम्स एंड रिसेंट, इसमें दो ही ऑप्शन है हॉरिजॉन्टली वगैरह वाले। आइकन्स आपको जैसे चाहिए आइकन्स का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। और पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की बात करी जाए तो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आपको तीन ऑप्शन मिलता है, स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट अनलॉक, फेस अनलॉक देखने को मिल रहा है। और एडिशनल सेटिंग्स में चले तो एडिशनल सेटिंग्स में आपको वही सारी सेटिंग्स मिलती है, क्विक बॉल वगैरह, नोटिफिकेशन लाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं, फुल स्क्रीन डिस्प्ले, गेस्चर शॉर्टकट्स एंड ऑल। स्पेशल फीचर्स में आपको गेम टर्बो वीडियो टूल बॉक्स मिल रहा है, तो अगर आप सिक्योरिटी अपडेट कर लेते हैं आप सिक्योर, तो आपको ये वीडियो उसके नाम से, साइड बार के नाम से आ जाएगा। फ्लोटिंग विंडो है वही, जो कि फ्लोटिंग विंडो ही कहलाता है। एंड मी अकाउंट आप यहाँ पे शायद यूज़ कर पाएंगे, मैंने यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश नहीं करी, बट जहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं। एक सेकंड मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे दोस्तों जो इसका Xiaomi अकाउंट है, आप इसमें Xiaomi अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं Xiaomi अकाउंट भी यूज़ कर पा रहा हूँ, तो अच्छी बात है कि मैं Xiaomi अकाउंट यूज़ कर पा रहा हूँ भाई, क्योंकि काम आता है Xiaomi अकाउंट, क्योंकि मैं ऑफकोर्स एक थीम डेवलपर भी हूँ MIUI का। मेरी थीम्स अगर आपको चाहिए तो आपको MIUI थीम्स में जाएंगे, जैसे कि अभी आपको दिखा भी देता हूँ। अगर ये ग्लोबल वाला है तो दोस्तों ये ग्लोबल वाला मिल जाता है, तो इसमें नहीं मिलेंगे। इंडिया वाला दोस्तों जो MIUI थीम्स का ऐप है, अगर वहाँ पे आप सर्च करेंगे टेक्नोज के नाम से, तो आपको फॉन्ट्स वगैरह ही मिलेंगी मेरी, और काफ़ी जैसे रेड शेड वगैरह के नाम से मेरी थीम्स वगैरह मिल जाएंगी, जिसमें काफ़ी सारे वॉलपेपर, काफ़ी आइकन्स चेंज, आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। कि बट मैंने बंद कर दिया था बीच में, और बहुत टाइम हो गया बंद कर हुए, तो बट आपको स्टिल अभी मिलेंगी, जिसमें मेरे मिलियन में व्यूज़ वगैरह भी आपको मिलेंगे, तो आप वो भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट, और भाई मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगा आगे।
फिलहाल दोस्तों, और इसमें वाइपर फॉर एंड्रॉइड एफेक्ट्स भी मिल जा रहा है यहाँ पे। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये रूटेड रॉम मिल जा रही है, तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा। रूट आप हटा लीजिएगा, अगर आपको हटाना है फिर यूज़ करना, तो आप यूज़ भी कर सकते हैं। आप इसको और ले चलते हैं आपको प्ले स्टोर पर। एंड प्ले स्टोर पे जाने के बाद हम चलते हैं हमारे डिवाइस सर्टिफिकेशन में, सेटिंग्स एंड डिवाइस इज़ नॉट सर्टिफाइड। तो दोस्तों, आपको डिवाइस पे करना, आप सर्टिफाई कर लीजिएगा अपने हिसाब से। एंड फिर यहाँ पे आप मैजिक हटा दिए, मैंने मैजिक का अभी नॉर्मली अनइंस्टॉल मारा है, बट यहाँ पे अभी पड़ा है, ये देख सकते हैं मैंने सिर्फ इस आइकन को अनइंस्टॉल किया था। अब ले चलते हैं आपको परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों, आपको दिखाते हैं एनटूटू बेंचमार्क स्कोर कितना देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 177,000 देखने को मिला है एनटूटू बेंचमार्क स्कोर, जो कि अच्छा है, बुरा नहीं है। यहाँ पे सीपीयू 65 मिल रहा है, जीपीयू 24 मिल रहा है, एमएम 33 और यूएक्स 54,000। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो इंक्रीमेंट हुआ था टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस को 41 से 43 गया, जो कि खराब बात है। एंड यहाँ पे 2% बैटरी भी मेरी ड्रेन हुई। एंड यहाँ पे जब से मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पहले में अभी दोस्तों यहाँ पे 37 बैटरी चल रही है, पहले मेरी 40 के अप्रॉक्स थी जब मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट किया था। और दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको सीपीयू थ्रॉटल भी दिखा देते हैं सबसे पहले। तो सीपीयू थ्रॉटल की बात करी जाए तो इसका भी ग्राफ दोस्तों काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। नियर 1.95 GHz बेस्ड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परफॉर्मेंस के मामले में आपको अच्छा लगा। बैटरी ड्रेनिंग में आपको नॉर्मल मिलेगा दोस्तों, ज़्यादा खास भी नहीं मिला। अप्रॉक्स आपको 10 आवर्स का बैटरी दे देगा बैटरी बैकअप। एंड यहाँ पे दोस्तों सारे जो ऐप्स हैं, गैलरी वगैरह, सारे पुराने मिल जाते हैं आपको, है ना, काफ़ी पुराने। तो अगर आपको इनको अपडेट करना है तो आपको फाइल मिल जाएगी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में। आप Xiaomi के जितने MIUI ऐप्स हैं आप वो इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। लेके चलते हैं आपको डिफॉल्ट वाले लॉन्चर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिलती है क्या एक्स्ट्रा लॉन्चर वगैरह की, तो यहाँ पे आपको वो बाय डिफॉल्ट वाला ही लॉन्चर मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स नहीं मिलती। एंड यहाँ पे देख सकते हैं तो 2 GB मेरे को अवेलेबल दिख रही है, बट मैं बता देता हूँ कि ये धीरे धीरे भरती जाएगी। ये MIUI की जो रॉम है दोस्तों, ये MMX वाली, मेरे को ये चीज़ इनकी देखने को मिली है कि जो अगर आप ऐप्स यूज़ करते रहते हैं रिसेंटली, तो वो जो रैम है आपकी वो कम होती जाती है एंड वो स्टोरेज खाती जाती है जब तक आप रिबूट नहीं करते, जब तक वो सारे ऐप्स क्लोज नहीं होते हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आप दोस्तों इसको यूज़ कर सकते हैं आपको जैसे यूज़ करना हो। यही थी दोस्तों इसकी सारी डिटेल्स, इसकी रॉम की लिंक आपके साथ साथ अपने GCam के लिंक और MIUI के ऐप्स की लिंक और सारी रिकवरी वगैरह सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। मैं बोलूँगा इसको आप TWRP के थ्रू ही फ्लैश करिएगा। MI अकाउंट का ही फ़ायदा आप इसमें उठा सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। साथ ही साथ मैं और एक और चीज़ बता दूं कि मेरे टेलीग्राम पे और भी चैनल्स हैं, जैसे कि मोड APKs के चैनल, PC मोड के चैनल, मूवीज़ के चैनल, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और उनका ही फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ पे मैं रोज़ाना लाता रहता हूँ मोड्स नए, हालांकि अभी टाइम पे कम नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी थोड़ा वीडियोस वगैरह में बिजी हूँ, बट स्टिल मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ और मैं थोड़ी अपनी वेबसाइट वगैरह डेवलप कर रहा हूँ जहाँ पे मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी कोई जानकारी वगैरह चाहिए, कोई भी क्वेरी वगैरह रहती है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन बता सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक हर चीज़ की लिंक मिल जाएगी, अब वहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं बोलूँगा मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पूछिए आपको जो भी क्वेरी वगैरह रहती है, मेरा डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे, जो भी आपको क्वेरी कमेंट सेक्शन वगैरह के जो भी आपका सवाल है सब पूछे वहाँ पे, इन सबसे रिलेटेड मैं वहाँ पे जब भी ऑनलाइन आऊँ मैं रिप्लाई दे दूँ। कॉल मैं YT स्टूडियो कम चलाता तो मैं कमेंट्स कम देखता हूँ। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपका धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।